अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2875। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड एक, वर्तमान में बीकानेर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में 579,579, एवं शहरी क्षेत्र में 285, कुल 864 उचित मूल्य दुकानें हैं। राशन डीलर का नाम, गांव का नाम सहित विवरण पर्ची स्टेट पर संलग्न है। खंड दो, जिला बीकानेर में कुल 17 उचित मूल्य दुकान निलंबित है। निलंबित एवं अटैच दुकानदारों का दिनांक सहित विवरण प्रशिष्ट दो पर संलग्न है। खंड तीन, बीकानेर जिले में 9 राशन दुकानें, 7 रिक्त एवं 2 नवसर्जित के आवेदन लंबित है। पूर्व में कोरम के अभाव में बैठक के स्थगित होने, चुनाव आचार संहिता लगने एवं आवंटन सलाहकार समितियों के गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन समाप्त किए जाने के कारण आवंटन प्रक्रिया नहीं हो सकी है। अतः उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति के गठन उपरांत उक्त आवेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाएगा। विभागीय निर्देश दिनांक 7/4/2010 एवं 26/12/2019 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित 500 राशन कार्डों अथवा 2000 यूनिटों पर नवीन उचित मूल्य दुकानें खोले जाने के मापदंड निर्धारित हैं, जिसके अनुसार उचित मूल्य दुकान के पुनर्धारण कर आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य दुकानों का गठन किया जाता है। माननीय सदस्य, मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, राशन दुकान के निलंबन पश्चात प्रथम अटैचमेंट का चार्ज नए डीलर के पास कितने महीने तक रह सकता है? मंत्री महोदय बताने कष्ट करें। मैंने मंत्री जी, इसमें 6 महीने का नियम है, पर इसमें हम आप अटैचमेंट का 6 महीने का नियम चलता है इसमें। माननीय सदस्य कोला चैनल को बताना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपने मुझे उत्तर दिया उसमें प्रथम अटैचमेंट और द्वितीय अटैचमेंट के बीच में तकरीबन 1 साल का समय, तो आप इसका अगर हमें बता पाएं कि किस कारण से हुआ। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करूंगा, ऐसा प्रकरण आप मेरे संज्ञान में लाएं तो जरूर उस पर कार्रवाई आवश्यक अनुसार। दूसरा प्रश्न पूछूंगा, क्या निलंबित पश्चात राशन दुकान का चार्ज निकटतम डीलर को देने का नियम है, तो इसकी पालना क्यों नहीं करेगी? क्योंकि कई गांव में 2-3 गांव छोड़ के राशन डीलरों की जो चार्ज जमा दिए गए, इससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत होती है और आमदन में समस्या काफी विद्यमान है। माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रकरण यदि कोई संज्ञान में आएंगे तो उस पर जो सरकारी नियम के अनुसार जो निकटतम दुकान है उसको अटैच करने का नियम है, उसी के अनुसार हम आवंटन किया जाएगा, अटैचमेंट चार्ज दिया जाएगा। यदि आप कैसे कोई प्रकरण ध्यान में तो आप व्यक्तिगत मुझे बताइए, उस पर मैं तुरंत कार्रवाई करूँगा। आप श्री चंद कृपया।